मध्य प्रदेश में बीते एक सप्ताह से प्रदेश भर में मौसम के दो मिजाज देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी तो कई हिस्सों में बारिश और ओले गिर रहे हैं। बुधवार को भी यही देखने को मिला, कहीं हीट वेव चल रही है तो कहीं आंधी बारिश का दौर जारी है। ठीक ऐसा ही मौसम आज रहने के आसार बताए जा रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो कई सिस्टम सक्रिय होने से कई जिलों में हीट वेव है तो कई जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, धार, इंदौर, देवास, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और पांडोड़ा और रीवा संभाग के जिलों में गरज चमक, आकाशीय बिजली गिरने, बारिश और आंधी के आसार हैं। आगामी चार दिन कहीं हीट वेव, कहीं बारिश, कहीं बादल और आंधी वाली स्थिति बने रहने की संभावना मौसम विज्ञानी के द्वारा बताई जा रही है। परमेंद्र कुमार, मौसम विज्ञानी। अभी जो है कि प्रदेश में एक साइक्लिक सर्कुलेशन है नॉर्थ ईस्ट राजस्थान के ऊपर, उसके कारण क्या गर्म हवाएं आ रही और दो जो सिस्टम और भी हैं, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 50° ईस्ट और 30° एंड पे परसिस्ट है अभी, और एक विंड डिस्कंटिन्यूटी है जो नॉर्थ ईस्ट राजस्थान से होकर नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटक तक गई हुई है। इसके कारण जो है कि कई जिलों में बारिश की संभावना, ठंडा स्टॉर्म, गस्टी विंड, हेल स्टॉर्म के चांसेस बन रहे हैं। प्रमुख जो है बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, यहाँ भी रेन होने के आज चांसेज है, और कुछ रीवा सीधी सिंगरौली में ही चांसेज है लाइट रेन के, और कुछ जगह जो हीट वेव फैलने की भी है जो दतिया, मुरैना और टीकमगढ़, छतरपुर में होने की संभावना बनी हुई है। और कुछ आंकड़े जो हैं कि जैसे कि सीहोर में 7 मिलीमीटर पानी गिरा और उसके ही एक तहसील में जावर में 12.0 है, और भोपाल में जो है कि जो अरेरा है सिटी एरिया है उसमें 1.5 रेनफॉल हुआ, और टेम्परेचर की बात करें तो भोपाल में 40.8 था और 26.9 मिनिमम टेम्परेचर है। इसी तरह से रहने की संभावना आज बनी हुई है।